फिरोजाबाद की पचोखरा पंचायत में राशन कार्ड कैंप लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता सप्लाई इंस्पेक्टर आनंद कुमार गौतम ने की। ग्रामीणों ने बताया कि डीलरों के द्वारा राशन देने में घटतौली की जाती है और कभी कभी कई बार चक्कर लगाने के बाद भी राशन नहीं दिया जाता। इस पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने जांच करने के आदेश दिए। इस दौरान ऐसे ग्रामीणों से राशन कार्ड फॉर्म भरवाए गए जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवीर है। आप यहाँ आयोग किस समस्या पंचायत घर पे एक जो समस्या चल रही है जब तुलवा के वहाँ पे घर तोल दे डेढ़ किलो राशन कम बैठता है कहते हैं। अच्छा, राशन डीलर का नाम क्या है? नारायण सिंह। अच्छा, जय नारायण। मतलब जो आप राशन ले रहे हो कब से ले रहे हो, कब तक आपने तोला है, कितनी बार तोला है? मैं कई बार तोला है, शिकायत भी की, आधा किलो कम बैठेगा और आधे डेढ़ डेढ़ किलो कम बैठता है, मैं क्या करूँगा? अगर शिकायत करते तो क्या आश्वासन देते हैं आपको? जो आधा किलो कम बैठ जाएगा ये तो। इंदल सिंह। अच्छा, किस समस्या को लेकर पंचायत भवन पे आए आज आप? हम तो सारे नाम बढ़वावे आए हैं राशन कार्ड में। अच्छा अच्छा, और क्या समस्या है आपकी? और समस्या यही है, राशन वगैरह कम देते हैं राशन डीलर। हाँ, राशन डीलर कौन है आपका? एक दिन पहले रामजीलाल है साहब। अच्छा अच्छा, और अंगूठा लगवा लेते हैं, अंगूठा लगवाने के बाद कल आना, परसों आना, टावर नहीं आ रहा है, फलाना ये मशीन चार्ज नहीं है, कांटा चार्ज नहीं है। अच्छा, अब यहाँ आई हो किस समस्या को लेकर आई हो? हम मतलब हमारा राशन कार्ड कट गए थे। हाँ। तो राशन कार्ड बढ़वाए आए। राशन कार्ड कट गया था, राशन कब से नहीं मिल रहा है आपको? तो बहुत दिन आएगा तब तो ना मिल रहा। कितने दिन हो गए? साल हो गए, महीने हो गए, कितने हो गए? मतलब 2 साल है। 2 साल से आपको राशन ही नहीं मिल रहा है? आपको यहाँ शिकायत लेकर आई, आपको क्या आश्वासन दिया है? मतलब तुम राशन मिले हो। कब तक मिलना चालू हो जाएगा? पूछा कब तक मिलेगा? मेरा नाम राजेश। अच्छा, आप किस शिकायत को लेकर यहाँ पे आयो? अच्छा, राशन भाषण न मिल रहा हमें। कितने दिनों से राशन, कितने महीनों से आपको राशन नहीं मिल रहा? और मतलब जो कि 2-3 महीना पहले ऐसा जी पर्चा फिर बद दो तो कोई सुनवाई नहीं, और लमसम अब है को 3-4 महीना अब है जी राशन मिल रहा क्या कर राशन मिलता है? भाजते हैं कबू यहाँ भाजते हैं, कोई कह दो कम कोई कम। नाम क्या है? कैंप लगाया है, किस तरीके का कैंप लगाया गया है, किस विभाग से आप आए हुए हैं? नाम मेरा आनंद कुमार गौतम है और मैं सप्लाई इंस्पेक्टर हूँ तहसील। यहाँ पे CDO ऑफिस की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया गया है, जो सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें से अलग अलग विभागों के कर्मचारी यहाँ पर एक एक सिंगल छत के नीचे आज इकट्ठा हुए हैं, ताकि उन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जा सके, उनके जो समस्याएं हैं, जो लोग अपने ऑफिस तक अलग अलग जगह नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए ये सुविधा दी गई है कि यहीं पर आकर के एक ही छत के नीचे अपने सारे काम आज करवा सकें, जिसमें अलग अलग तरह जैसे NFSA है, राशन कार्ड का काम है, यूनिटों को जोड़ना है उसमें शामिल, या आधार फीडिंग सीडिंग की स्थिति है उसमें सुधार करना है। इसके अलावा और भी कर्मचारी हैं जिसमें पेंशन योजनाएं हैं, आवास की समस्या है, ब्लॉक के कर्मचारी भी यहाँ पर सब लोग सर। आज दिन राशन डीलरों की मनमानी रहती है, राशन कम दिया जाता है, राशन के पैसे भी ज्यादा दिए लिए जाते हैं। देखिए, इस तरह की कोई अभी समस्या आई तो नहीं है सामने, अगर कोई शिकायत आएगी उस पर कड़ी कार्रवाई जांच करके की जाएगी। सर, एक सरकार की तरफ से नया फॉर्मूला चालू हुआ है कि गैस के कागज लेके आओ, बिजली का कागज लेके आओ, और जो लोग टाइम से लेके नहीं जा पाते हैं उनको राशन नहीं मिल पाता है, इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, खाद्यान्न किसी को रोकने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं कोटेदारों को, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया है कि चूंकि डेटा का, बिजली गैस कनेक्शन का ऑनलाइन फीडिंग करानी है तो उसके लिए हमें आवश्यक है कि जब तक उसके कनेक्शन नंबर हमें नहीं मिलेंगे हम ऑनलाइन फीडिंग नहीं करवा पाएंगे। तो कोटेदारों को थोड़ा कहा गया है कि थोड़ा सा पब्लिक को ये प्रचार प्रसार कर दें कि यदि उनके पास पहली बार वो आते हैं दुकान पर, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो अगली बार जब भी 2-3 दिन में वो आ जाएं, डॉक्यूमेंट्स जमा करें और अपना खाद्यान्न ले जाएं, उस पर कोई रोक नहीं है।